तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवा दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ हुए ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप मैच के बाद हर क्रिकेट एक्सपर्ट ऐसा कह रहा है, और कहे भी क्यों ना, मैक्सवेल की पारी कुछ ऐसी ही थी। देखने वाले देखते रह गए, लिखने और बोलने वाले भी लिखते और बोलते रह गए। क्रिकेट फैंस ने इसे एंजॉय किया, कहा कि ये सफ़ेद गेंद की अब तक की सबसे महान पारी है। कपिल देव की जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 175 रनों की मैच विनिंग पारी से इसकी तुलना हुई, और बात हुई अफगान बॉलर्स की। खासकर इतनी अच्छी शुरुआत के बाद उन्होंने मैक्सवेल के सामने गलती कर दी। पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्रिकेट शो आता है द पवेलियन नाम से, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज बैठते हैं और हर मैच पर चर्चा की जाती है। वसीम अकरम, मिसबाह उल हक, मोइन खान और शोएब मलिक जैसे दिग्गज। इन्हीं दिग्गजों ने बताया कि आखिर मैक्सवेल के सामने अफगानिस्तान के बॉलर्स कहाँ चूक गए। दरअसल अपनी इनिंग के दौरान मैक्सवेल काफ़ी असहज दिख रहे थे, मांसपेशियों के खिंचाव के चलते उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। एक समय ऐसा आ गया था कि उन्होंने रन लेना बंद कर दिया था, वो सिर्फ क्रीज पर खड़े होकर अपनी कलाइयों और बैट स्विंग के जरिए शॉट खेल रहे थे। मैक्सवेल बस चौके और छक्के मार रहे थे और अफगानिस्तान के बॉलर्स लगातार उनकी जोन में गेंदबाजी कर रहे थे। गेंद आती रही, मैक्सवेल उन्हें बाउंड्री के पार भेजते रहे। मैक्सवेल का स्टांस मिडिल और लेग स्टंप के बीच में था और अफगानिस्तान के गेंदबाज विकेट्स पर गेंदबाजी कर रहे थे। द पवेलियन में वसीम अकरम ने आश्चर्य जताया कि आखिर ऐसी गेंदबाजी क्यों हो रही थी। वसीम अकरम का कहना है कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों को ऑफ स्टंप के बाहर और वेरिएशंस के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए थी। वसीम अकरम ने यह भी कहा कि राइट हैंड फास्ट बॉलर्स अराउंड द विकेट आकर ऑफ साइड की फील्ड के साथ वाइड यॉर्कर लेंथ पर गेंदबाजी कर सकते थे। वहीं मिसबाह उल हक ने कहा कि जब वाइड यॉर्कर लेंथ पर गेंदबाजी होती है तो मैक्सवेल बढ़िया स्लाइस शॉट खेलते हैं, ऐसे में टीम्स उनको उसी लाइन पर स्लोअर बॉल्स फेंकती हैं। मिसबाह ने कहा कि अफगानिस्तान के बॉलर्स इसी लाइन पर स्लो गेंदें फेंक सकते थे, ऐसी गेंदों को एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के ऊपर से मारना मुश्किल होता। शोएब मलिक ने भी कहा कि पेसर्स वाइड यॉर्कर्स लाइन पर गेंदबाजी कर सकते थे। उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिनर्स पर भी बात की। मलिक ने कहा कि स्पिनर्स फ्लैट ट्रैजेक्टरी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, बिल्कुल भी फ्लाइट नहीं थी और गेंदबाजी एकदम प्रिडिक्टेबल हो गई थी, यानी मैक्सवेल को पता था कि किस तरह की गेंदबाजी होने वाली और वो खड़े खड़े अपने शॉट्स खेलते रहे। आपके इन तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी मुरारी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।